नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार के बांका जिला से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में तैनात एक शिक्षिका के पर्स से 35 रुपए गायब हो गए, जिसका आरोप वह स्कूल में पढ़ रहे बच्चों पे लगा रही हैं। आपको बता दें कि शिक्षिका बच्चों को बेगुनाहे साबित करने के लिए मंदिर में कश्मे खिला रही हैं और तमाम तरीके की चीज़ें कर रही हैं। अभिभावकों को जब इसकी सूचना मिली तो अभिभावक काफ़ी आक्रोशित हुए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद प्रखंड शिक्षा अधिकारी बीयू ने शिक्षिका के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। यह घटना बांका जिले के रजौन प्रखंड स्थित प्राइमरी स्कूल में बुधवार को हुई। बच्चों ने जब स्कूल से घर पहुंचकर अपने अभिभावकों को पूरी बात बताई तो वे गुस्सा हो गए। अगले दिन अभिभावक स्कूल पहुँच गए और टीचर नीतू कुमारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया। प्रखंड शिक्षा अधिकारी कुमार पंकज ने कहा कि वह घटना की जांच कर रहे हैं। महिला टीचर एक अनुबंधित शिक्षिका हैं, इसलिए वह सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह जो भी कर सकते हैं करेंगे। उन्होंने अभिभावकों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी अभिभावक शांत हुए। दूसरी ओर शिक्षिका ने अपने ऊपर लगे आरोप को खारिज किया है। शिक्षिका का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। कुछ बच्चे अनुपस्थित थे, उनका अटेंडेंस काट दिया गया था, इसलिए अभिभावक ऐसा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षिका नीतू कुमारी को अपने पर्स से 35 रुपये बुधवार को गायब मिले। उसने पैसे खोजे तो नहीं मिले। इसके बाद कथित तौर पर उन्होंने बेगुनाही साबित करने के लिए सभी बच्चों को पास के मंदिर में ले गई और धमकी दी कि अगर वे भगवान के सामने झूठ बोलेंगे तो उन्हें दंड मिलेगा। बच्चों ने आरोप लगाया कि मैडम ने न केवल उन्हें भगवान की कसमें खाने के लिए कहा, बल्कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तालाब में डुबकी लगाने तक की बात कह डाली। स्कूल की हेडमास्टर सुभाषिनी कुमारी ने कहा कि वह बुधवार को छुट्टी पर थी। जिस टीचर पर आरोप लगाया गया है वही प्रभारी थी। उन्होंने इसके बारे में कुछ भी जानकारी न होने की बात सीधी कह डाली है। तो आपको बता दें कि बांका जिले का ये मामला है, जहां पे एक शिक्षिका के पर्स से 35 रुपये गायब है और उसके बाद वो बच्चों पे लगातार आरोप लगा रही हैं कि पैसे बच्चों ने ही लिया है, बेगुनाही साबित करने के लिए बच्चों के पास के मंदिर में ले जाकर कसमें खिलाई। इसके बाद इतना स्पेस शांत नहीं हुई और आगे उन्होंने बच्चों को तालाब में डुबकी लगाने की भी बात कही। बच्चों ने अभिभावक से जाकर जब कंप्लेन किया तो अभिभावक काफ़ी आक्रोशित हुए और हंगामा करने लगे। इसके बाद बीओ ने शिक्षिका पे कार्रवाई की आदेश दे दिए हैं और शिक्षिका पे आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है आगे वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।